भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति नैन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न रक्षो अरिष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सोत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रक्ष भगवन् कुतो हावा इमा प्रजा प्रजायन्त इति। एक वर्ष तक छे के छेव ऋषि लोग गुरुकुल का वास किया, सेवा किया, और उसके बाद छेव ऋषि पुनः आचार्य के पास में आए। छेव ऋषि पास में आए, उनके मन में जो जिज्ञासा है सो पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहले कबंधी नाम के महापुरुष सामने हुए, प्रणाम किया, और कबंधी ने प्रश्न किया, भगवन कुतो हावा इमा प्रजा, ये सारी की सारी प्रजा, जीव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, ये सब कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से पैदा हुए? और पिपलाद ऋषि ने उत्तर दिया। चौथा मंत्र है, पाठ करते हैं। तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापतिः सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा सा मिथुनम् उत्पादयते रयिं च प्राणं च इत्येतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यते इति। पिपलाद ऋषि ने बहुत प्रसन्न मन से स्वीकार किया और उन ऋषियों को उत्तर दिया। तस्मै उनको उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? प्रजा कामो वै प्रजापति, इस सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ, इस सृष्टि का जब शुरू में प्रारंभ हुआ, तो एक प्रजापति नाम का एक दिव्य महापुरुष हुआ। प्रजापति, प्रजापति समस्त प्रजाओं का स्वामी, उसी से प्रजा उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम पड़ा प्रजापति। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ समष्टि, वह एक समष्टि पुरुष, प्रजा कामो वही प्रजापति पैदा हुआ। उसके भीतर कामना हुई, किसकी? मैं सृष्टि को आगे बढ़ाऊं, मैं प्रजाओं को उत्पन्न करूं, तब उसका नाम पड़ गया प्रजा कामः। प्रजापति के मन में प्रजा की कामना हुई तो नाम पड़ गया प्रजा काम। तो प्रजापति दक्ष मत ले लेना, वो पुराण की भाषा है, दक्ष नहीं, कौन? हिरण्यगर्भ समष्टि, समष्टि जीव अभिमानी, समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी, समष्टि जो उपाधि है उसको धारण करने वाला, वो प्रजापति के भीतर प्रजा की कामना हुई कि मैं सृष्टि को आगे बढ़ाऊं।
तो सतपोतप्यत उसने आलोचन किया, विचार किया, अपना पुराना ज्ञान, अपने पुराने संस्कार को ले आया। यही तप, यही तपस्या है। तपस्या माने क्या? जो पुराना उसने तपस्या किया। पुरुषोक्तम में भी आएगा ना, पुरुषोक्तम में भी ऐसे आएगा कि उसने यज्ञ किया। तस्माद् यज्ञा सर्वभूतः ऋषा सामानि जग्गिरे छंदा गुमसि जग्गिरे तस्मात्, ऐसे आएगा ना। उसने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सब कुछ उसने आहुत किया, ऐसे बार बार आएगा। तो उसने तप किया, तप किया, सा तपोतप्यत, कौन सा तप किया? ज्ञान रूपी तप किया, चिंतन रूपी तप किया। जब उसका तप पूरा हुआ तो सा तपस्तप्त्वा, उसके तप करने के उपरांत एक जोड़ा पैदा हुआ, सा मिथुनम उत्पादयते। सबसे पहले उस प्रजापति ने एक मिथुन जोड़ा उत्पन्न किया, द्वंद। कौन सा जोड़ा हुआ? रईम च प्राणम च, रई को और प्राण, ये रई और प्राण को उत्पन्न किया, चंद्रमा को और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, नंबर एक। दूसरा आगे आएगा विस्तार से, इसका थोड़ा सा गंभीर भाष्य होगा। रई कहते हैं धन को, धनवाची होता है रई, माने धन का करते हैं हम भोग। तो भोग्य, रई माने भोग्य, और प्राण माने भोक्ता। भोगेगा कौन? जो जिंदा होगा। अगर प्राणवायु ना चल रहे हो और फिर उसको पानी पिलाओ, फिर उसको दाल रोटी खिलाओ, कौन खा रहा है? प्राणवायु। तो प्राणवायु है भोक्ता, और रई जो धनवाची है वो कौन हो जाएगा? भोग्य। तो ये द्वंद को उत्पन्न किया, भोग्य और भोक्ता। अभी बार बार ये शब्द आएगा, ध्यान रखना। रई प्राण, चंद्रमा सूर्य, फिर भोग्य और भोक्ता, ये शब्द बार बार आते रहेंगे पूरे पूरे अभी इस पहले प्रश्न में। तो रईम च प्राणम च, ये दोनों को जोड़ा उत्पन्न किया, रई और प्राण, भोग्य और भोक्ता। और क्या विचार किया? इति एतौ में, ये दोनों जो हमने उत्पन्न किया रई और प्राण को, ये हमारे लिए बहुधा प्रजा करिष्यति, हमारी वंश परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, हमारी सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा उस प्रजापति ने विचार करके, पहले उसने चिंतन किया तो उस प्रजापति के मन में कामना आई, फिर उसने तप किया, तप करने के बाद एक जोड़ा उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा रई और प्राण, और इसी से सृष्टि आगे बढ़ेगी। ये मंत्र का अर्थ हो गया। अब इसका भाष्य समझो, ध्यान से समझना इसका भाष्य, तभी समझ में आएगा। तस्मा एवं पृष्टवते साहोवाच, वो जब प्रश्न पूछा था कबंधी ने, तो उनको पृष्टवते जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो पिपलाद ने उत्तर दिया। तद अपाकरणाय आह, उसने ऋषि ने, पिपलाद ऋषि ने उनके प्रश्न का समाधान करने के लिए, उनके मन के समस्या का, संशय का निराकरण करने, तद अपाकरणाय, संशय का निराकरण करने के लिए उत्तर दिए। क्या उत्तर दिया? प्रजा कामः प्रजा आत्मनः शिश्रिक्षुर वै प्रजापति। प्रजा कामा प्रजा, जो प्रजा की कामना वाला है उसी को हमने कहा प्रजा काम। कौन? आत्मनः, अपने भीतर, शिश्रिक्षुर अपने ही भीतर सृष्टि की इच्छा करने वाला। शिश्रिक्षु माने सृष्टि की इच्छा, कहाँ पर सृष्टि बनाएगा? क्योंकि हिरणगर्भ से खाली तो कोई जगह नहीं, जो समष्टि है हिरणगर्भ उससे जगह तो कोई खाली नहीं, तो कहाँ बनाएगा? आत्मना अपने स्वयं से, शिश्रिक्षुर्वई अपने भीतर से सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा वाला हुआ, इसीलिए उसका नाम पड़ा प्रजापति। प्रजा की बढ़ोतरी हो, अपने भीतर प्रजा बढ़ाएगा, इसलिए नाम पड़ गया प्रजा कामह प्रजापति। हाँ देखो कैसा है, अब यहीं से ध्यान रखना। सर्वात्मा सन, वो प्रजापति कैसा है? सर्वात्मा, सब में समाया हुआ है, सबकी आत्मा। सर्वात्मा सन माने सब में व्याप्त होकर के, सब में व्याप्त होकर के जगत स्रक्ष्यामी, सृष्टि की रचना करूं,
इति एवं विज्ञानवान, ये उसके भीतर जो विज्ञान है, ये उसके भीतर जो विज्ञान है उसी विज्ञान से यथोक्त कार्य जैसा विज्ञान है वैसे ही करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तद भाव भावितः, और उस ज्ञान के भाव से भावित होकर के, और उसने तपो अनलोचयत अतप्यत, इस पंक्ति के अंत में देखना, तपो अनलोचद अतप्यत, उसने तपस्या किया, तपस्या माने आलोचन किया, किसने, किसने किया, प्रजापति ने, है ना। अब इसके बीच में वो प्रजापति कौन है उसी का वर्णन है जो बीच में छूटा है। कल्पादौ निर्वृत्तो हिरणगर्भः सृज्यमानानां प्रजानां स्थावर जंगमानां पति सन् जन्मांतरभावितं ज्ञानं श्रुति प्रकाशितार्थ विषयं तपो अन्व आलोचयद अतप्य, ठीक है ना। अब समझिए, जैसे इस समाज में ये सृष्टि है, ये सृष्टि है, यहाँ पर लाखों अरबों जीव हैं, सब प्राणी हो, किसी प्राणी के भीतर एक कामना हुई कि अगर मैं देवता होता, जल का देवता होता, तो सब जगह पर जल की वर्षा सही समय पर करता, गलत समय पर न करता मैं, जैसे हमारा फसल नष्ट ना होती और समय पर फसल भी उत्पन्न होती। और यही भावना करते करते वो बेचारा मर गया, तो अगले कल्प में कहाँ जावेगा, फिर जल का देवता बन जावेगा। क्योंकि तुम्हारे मन में वो भावना थी तो जा करके वैसी तुम व्यवस्था अब करते, ठीक है ना। तो ऐसे किसी के मन में जो है ये था कि अगर मैं, हवा मेरे हाथ में होता, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, प्रकृति का स्वामी बनने के लिए उनकी इच्छा है, पूरे साइंटिस्ट विज्ञान वाले चाहते हैं प्रकृति पर अपना बस कर लो, जब चाहो तब ऐसा करो। तो ओ ऐसे किसी के मन में हवा वाला, किसी के मन में कोई और, किसी के मन में कोई और उसी के अनुरूप उसका जन्म हो जाता है। कोई ऐसा जीव है, अच्छा मान लो मोदी जी क्या भावना करेंगे, आप लोग तो थोड़ी मोड़ी भावना करोगे, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं गुरु जी से बढ़िया आश्रम बनाता, यही ना, ज़्यादा बड़ा विद्यालय बनाता जिसमें 500 बच्चे होंगे, 500 गव्य होंगे, आप ऐसी भावना करोगे। और मान लो ऐसा कोई बहुत बड़ा महापुरुष है और उसका ऐसी भावना के साथ शरीर पूरा हो गया, और मान लो सृष्टि का प्रलय हो गया, तब फिर से जब सृष्टि बनेगी तो उस सृष्टि में जिसकी जैसी जैसी भावना थी उसको वैसे वैसे देवत्व का पद मिलेगा, और जिसके भीतर सारी प्रजा की भावना थी उसको वो पद मिल जाएगा जिसका नाम है हिरण्यगर्भ। लेकिन शर्त है उसने ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया था ना, उपासना किया था, ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त नहीं किया था, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता तो मुक्त हो जाता, तो उसका दोबारा होता नहीं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, भावना श्रेष्ठतम थी, तो उसको अगला जो पद था उसको मिलेगा कौन सा, प्रजापति का, हिरण्यगर्भ का, सृष्टि के प्रारंभ में। अब तुम हिरण्यगर्भ के पद पर आसीन हो जाओ और सारी प्रजा का तुम विस्तार करो और सबकी सुविधा आदि का ख्याल रखो, पालन करो। देखो ठीक है ये बात। अब यहां से जो शरीर छूटा था, शरीर छूटा था, तो वो जो जीव यहां से गया था उस जीव के भीतर अविद्या, कामना और कर्म, ये तो लेके गया ना, ये तो लेके गया ना, अविद्या, कामना और पूर्व प्रज्ञा, तो यहां का संस्कार वो लेके गया, संस्कार थोड़े मिट गया, जो यहाँ का संस्कार लेके गया उसी संस्कार के अनुसार वहां पर याद करेगा। अरे अच्छा, आप लोगों को उज्बेकिस्तान में भेज दें और कह दें खाना बनाओ, कैसे खाना बनाओगे फिर वहां, उज्बेकिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान वाला खाना कोई बनाओगे, वहां भेज दिया जाए। मान लो आप यहाँ सो
और सोते समय आपको सुंघा दिया जावे, हो जाओ आप बेहोश और उठा करके और 5 घंटे में उज्बेकिस्तान पहुंचा दिया जावे। हाँ, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे और वहाँ आपका नींद टूटे, जगो और वहाँ के लोग कहें चलो यहाँ वाला खाना बनाओ, तो वहाँ कैसे खाना बनाओगे फिर? याद करोगे तो वहाँ वही वाला खाना बनाओगे जो यहाँ का तुम्हारे संस्कार में है, दाल चावल सब्जी रोटी, इसमें हल्दी डालना, वहाँ वाला नहीं बना पाओगे। ऐसे ही वो जो यहाँ से जीव लेके गया था हिरणगर्भ, यहाँ का जो संस्कार था, ज्ञान था, उसी का उसने चिंतन किया, उसी का धारण किया, इसी का नाम है तप, इसी का नाम होगा तप। तो ये जो कोई जीव उपासना आदि किया, सारी जगत के कल्याण की भावना को लेकर के और शरीर छूटा, सृष्टि का प्रलय हुआ, तो अगले कल्प में वो जो प्रथम पुरुष पैदा होगा, प्रथम पुरुष सबसे पहले जो पैदा हुआ, कौन? सारे जगत का एक सूत्र। अब वहां पर होगा क्या, जैसे अब जैसे हमारे शरीर में लाखों खरबों जीव हैं, तो वो हिरण गर्भ से कोई जगह खाली नहीं होगा, वो सर्वव्यापक होगा, क्योंकि समष्टि है, वो एक व्यक्ति जैसे आप बैठे वैसे नहीं होगा, वो हिरण गर्भ कैसा होगा, वो सर्वव्यापक होगा, वो सब में समाया होगा, वो सब कुछ जानता होगा। तो अब सृष्टि रचेगा तो कहाँ करेगा, जब उसके अलावा कुछ है नहीं तो कहाँ रचेगा, वो अपने भीतर रचेगा ना। जैसे आप कल्पना करोगे तो कहाँ करोगे, अपने भीतर करोगे, तो अपने भीतर, तो हिरण गर्भ के भीतर ही ये सारी की सारी सृष्टि है, तो अपने भीतर ही वो ऐसी रचना करता है, कौन? वो प्रजापति हिरण। तो यहाँ प्रथम पुरुष कौन हुआ? हिरण गर्भ। ठीक है, ये ध्यान रखना, हिरण गर्भ ये नाम बार बार आएगा, हिरण्यगर्भ उसी को हम कह रहे हैं। यहां पर वेद ने कहा प्रजापति, देखो हाँ, चलिए हाँ, तो देखो हाँ, फिर से पढ़ो, प्रजा कामा, देखो प्रजा कामा, प्रजा आत्मना शिश्रु, प्रजा की कामना वाला हिरण्यगर्भ है, वो क्या हुआ, अपने भीतर आत्मना, अपने से शिश्रु सृष्टि की इच्छा वाला हुआ, तो प्रजापति हुआ। सर्वात्मा सन, सर्वात्मा सन माने वो सर्वव्यापक है, सबकी आत्मा वही, जगत सृक्ष्यामि, जगत की सृष्टि की रचना करूं, इति एवं विज्ञानवान, ये उसके भीतर पुराने से विज्ञान आया है, यथोक्तकारी, जैसा विज्ञान है वैसे ही करेगा, कैसे करेगा, तद्भाव भाविता, वैसे भाव करेगा। कौन है हिरणगर्भ? कल्पादौ, कल्प के प्रारंभ में, कल्प के प्रारंभ में, देखो निर्वृत्तो हिरणगर्भा, तो कल्प के प्रारंभ में जो पहला प्रारंभ हुआ, जो निश्चय करके कार्य में प्रारंभ किया, जो निश्चय करके और कार्य को करना शुरू किया, कौन? हिरणगर्भा, ओ हिरणगर्भ सृज्यमाना नाम प्रजा नाम, ओ सृष्टि की रचना करने के लिए प्रजाओं की रचना, कौन सी प्रजा? अस्थावर जंगम, देखो अस्थावर और जंगम, चलने वाले और बिना चलने वाले, जो चलने वाले हैं उनको जंगम, जो बिना चलने वाले हैं वो स्थावर, उन सब का कौन है? वो पति ही सन, अस्थावर जंगमा नाम पति सन, चलने वाले बिना चलने वाले सबका वो स्वामी है, कौन? हिरणगर्भ। जन्मांतर भावितम, वो पूर्व के जन्म में जो उसका ज्ञान है, जो संस्कार है, उसी ज्ञान को श्रुति प्रकाशित अर्थ विषयम, जो शास्त्र के द्वारा उसने धारण किया था, स्वाध्याय किया था, उसी का उसने तपो अन्वलोचयत, उसी को उसने तप से याद किया, उसने तप से याद किया, अतप्यत, उसने उसको ले आया अपने भीतर। संभवतः आप लोगों को जितना समझ में आया हो समझ लेना, आ गया, बहुत बढ़िया आ गया। तो उसने अच्छा अपने भीतर लाया, तो सबसे पहले किसको बनाएगा? जब उसने अपने भीतर, देखो वो हिरण गर्भ था,
पहला प्रथम पुरुष, सर्वव्यापक सर्वात्मा, उसके भीतर पूर्व का सारा ज्ञान है, उसने ज्ञान प्राप्त किया। अब मैं सृष्टि की रचना करूं, प्रजा की रचना करूं, और जैसे प्रजा की रचना किया तो एक चीज की रचना पहले हो गई, काल, क्योंकि उत्पत्ति का नाम ही काल, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति का ज्ञान ही काल। हाँ, काल हुआ ना, क्योंकि पहले वो था और उसके पास में प्रजा नहीं थी, तो उसके भीतर प्रजा की कामना हुई और प्रजा की कामना के लिए उसने तप किया, और तप किया तो विचार किया और प्रजा की रचना किया, तो एक उत्पत्ति हो गई किसकी, काल की। हाँ ठीक है ना, काल हो गया। फिर उसने जब विचार किया और विचार करके जब उसने एक जोड़ा उत्पन्न किया, रई और प्राण का, तो जैसे जोड़ा उत्पन्न किया उसके पहले एक और चीज की उत्पत्ति हो गई, देश की। कहां से उत्पन्न करेगा, हाँ भाई, जगह होगी तब ना, तो देश और काल की उत्पत्ति हो गई, ये दो चीज की उत्पत्ति हो गई। हाँ, देश और काल, इसके बाद अब रई और प्राण को ले आना। हाँ, पहले कौन पैदा हो गया, देश और काल, ये दो पहले पैदा हो गया। फिर अब पैदा हो गया कौन, सूर्य और चंद्र, जिनको यहाँ पर रई और प्राण को, ये सब पैदा हो गए, इस प्रकार से यहाँ पर पैदा हुए। आगे पढ़े, ये पंक्ति का समझ में आ गया ना पूरा। हाँ, प्रजा कामः प्रजा आत्मनः सिसृक्षुर, वो प्रजा की कामना वाला हुआ, अपने भीतर से सृष्टिस्थु सृष्टि की इच्छा वाला हुआ, इसलिए नाम पड़ा उसका प्रजापति, इसलिए उसका नाम पड़ा प्रजापति। सर्वात्मा है क्योंकि सब उसके भीतर है, सर्वात्मा सन जगत सृक्ष्यामि इति, उसने प्रजापति ने जगत की सृष्टि करूं ऐसी इच्छा किया, तो विज्ञानवान, पूर्व के विज्ञान को धारण किया, यथोक्तकारी तद्भाव भाविता, जैसा श्रुति ने कहा है वैसे वो करने वाला है, उसी भाव से भावित हुआ। कब, कल्प के प्रारंभ में वो जो पुराना वाला जीव यहाँ पर आया, निवृत्तो हिरणगर्भा, अब उसका नाम हुआ हिरणगर्भ, तो प्रजापति को ही हिरणगर्भ कह रहे हैं, हिरणगर्भ को ही यहाँ पर प्रजा, ओ हिरण, सृज्यमाना नाम प्रजा नाम, अब सृष्टि की रचना करने वाला हुआ, कि कौन हुआ, अस्थावर जंगमा नाम पति, जड़ और चेतन दोनों का पति है, पति हो करके जन्मांतर भावितम ज्ञानम, जो पूर्व के जन्म का ज्ञान था, श्रुति प्रकाशित अर्थ विषयम, और अशास्त्री नहीं, शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया था उसी का उसने तप किया। तप माने अन्नलोचयत, याद किया, अपने पूर्व के ज्ञान को याद किया। अथ, हाँ, अतप्यत, अथ तू सायेवम तपस्तप्त्वा, अब ओ प्रजापति इस प्रकार से तप करके, तपस्तप्त्वम, क्या तप किया, फिर से याद रखना, श्रौतम ज्ञानम अन्नलोच्य, ओ जो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान था पुराना, उसके भीतर जो धारण किया था, उसी ज्ञान का अन्नलोच्य, उसी ज्ञान को उसने पुनः भीतर धारण किया। सृष्टि साधन भूतम, अब मैं सृष्टि की रचना करूं, कैसे करूंगा, तो सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी, तब मिथुनम उत्पादयते, मिथुनम द्वंद्वम उत्पादितवान, मिथुन का एक जोड़े का उसने उत्पन्न किया, द्वंद्वम एक द्वंद्व को उसने जोड़ा उसने पैदा किया, कौन सा जोड़ा पैदा किया, हाँ बस, द्वंद्व माने एक द्वंद्व समाज होता था ना, माता और पिता, क्या दोनों को माता पितरों, क्या हो गया, द्वंद्व समास हुआ दो, हाँ तो द्वंद्व माने दो, द्वंद्व माने केवल कुश्ती ही नहीं होता, द्वंद्व के कई अर्थ होंगे ना, तो द्वंद्व माने दो दो, सुख दुख, हाँ सुख, हाँ क्या है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए, तो ये क्या हुआ, विजय पराजय, सुख दुख हानि लाभ, ये सब हो गया द्वंद्व, निर्द्वंदो ही महाबाहो, तो हाँ भगवान का निर्द्वंद हो जाए, निर्द्वंद माने कुश्ती ना करे,
निर्द्वंद का मतलब हुआ दोनों से रहित, चित्त को दोनों में समत्व में लावे, तो ऐसे द्वंद की उत्पत्ति किया उसने। ये दोनों अर्थ में प्रयोग किया जाता है, द्वंद्वम कलह युग्मयोरी त्यमरह। ये जो इसकी जो व्याख्या की गई है शास्त्र में, काल द्वंद्वम की कलह युग्मयोः, जोड़े के अर्थ में भी है और कलह के भी अर्थ में द्वंद्व शब्द प्रयोग होता है, दोनों अर्थ में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर एक द्वंद्व ने पैदा किया गया, कैसे पैदा किया, क्योंकि सत्य संकल्प था, वो सत्य संकल्पवान था तो उसने उससे उत्पन्न हुआ। रईम च सोमम, रईम च सोमम अन्नम। देखो वहां दो है ना, रई और प्राण, तो रई किसको कहा, रईम मंत्र में रई है, तो उसको किसको कहा, सोमम चंद्रमा, अन्नम उसी से हमारे को यहां पर वनस्पतियों में जीवनी शक्ति मिलती है, तो उसी का नाम, तो रई चंद्रमा और अन्न, ये तीनों को जो है यहां पर लगा, रई माने सोमम अन्नम। अच्छा प्राण किसको कहा, प्राणम च अग्निम अत्तारम, ये तो अग्नि सोमौ अत्ता अन्न भूतौ मे मम बहुधा अनेकधा प्रजा करिष्यति इति एवं संचित्य अंडोत्पत्ति क्रमेण सूर्या चंद्रमसौ अकल्पयत। रईम च सोमम अन्नम, ये तो स्पर्श हो गया। प्राणम, प्राण किसको कहा, अग्निम, प्राण कहा अग्नि को, प्राण माने अग्नि। हाँ अब याद रखना, प्राण को हमने बताया था पहले सूर्य, सूर्य अग्नि प्राण, तीनों को एक साथ लगाना, जैसे वहां पर रई में लगाया था रई सोम और अन्न तीनों को, तो यहां पर जब प्राण शब्द आएगा तो प्राण सूर्य और अग्नि इसको लगा लो अग्निम। फिर अतारम, अतार माने अत्ता खाने वाला, हाँ तो रई था अन्न और प्राण हो गया अत्ता, रई हो गया खाई गई चीज और प्राण हो गया खाने वाला, भोग्य और भोक्ता, ठीक है ना, तो वो हो गया भोग्य, ये हो गया भोक्ता। अतारम ये तो अग्नि सोमौ, ये अग्नि और सोम, प्राण और रई, क्या हुआ, अत्ता अन्न भूतो, खाने वाला और खाई गई चीज होकर के, मे मम बहुधा अनेकदा, हमारे लिए बहुत सारी प्रजा को ये करेंगे बनाएंगे, भोक्ता और भोग्य बन करके, भोक्ता और भोग्य बन करके। इति एवं संचित्य, ऐसा जब चिंतन किया हिरणगर्भ ने, तो सबसे पहले एक उससे, उस हिरणगर्भ से एक बहुत बड़ा अंडा पैदा हुआ, इसीलिए उसका नाम हुआ ब्रह्मांड। किससे, अपर ब्रह्म से, हिरण्य गर्भ में ही कामना होगी ना, पर ब्रह्म में तो कोई कामना नहीं है, निर्गुण में तो कोई कामना नहीं है, कामना किस में हो रही है, सोपाधिक ब्रह्म में, हिरण्य गर्भ में, तो उससे जो कामना हुई तो उससे एक बहुत बड़ा अंड पैदा हुआ, तो इसलिए नाम पड़ गया ब्रह्मांड। उस अंडे के भीतर फिर वो हिरण्य गर्भ ने कल्पना किया, फिर देश की उत्पत्ति हुई, काल की उत्पत्ति हुई, भोग्य वस्तुओं की उत्पत्ति हुई रई की, और भोक्ता की उत्पत्ति हो गई प्राण की, सूर्य की उत्पत्ति हो गई चंद्रमसौ अकल्पयत, उस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा। अगला मंत्र देखते हैं, एक मंत्र हुआ ना, इसमें कोई संशय तो नहीं रहेगा ना, थोड़ा सा फिर से पढ़ लेना, स्वाध्याय कर लेना, तब सुनें। वैसे रई को धनवाची कहते हैं, रई को धन शब्द के साथ, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है उसको हम कहते हैं रई से संपन्न है, हाँ रईस उर्दू शब्द है, संस्कृत का नहीं, हाँ रई माने धनवाची होता है, और धन खाने के काम आता है, धन उपभोग के काम आता है, धन को आप उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे, हाँ धन का आप उपयोग करोगे तो वो अन्न हो जाएगा, वो अन्न हो गया, और जो खाएगा वो
प्राण ही होगा तो खाएगा, जो जीवित होगा सोई तो खाएगा, चूहा भी खाएगा तो जिंदा है तभी तो खा रहा है, प्राण है तो प्राण हो गया भोक्ता, तो ये दो का जोड़ा हुआ भोक्ता भोग्य। ये याद रखना, अन्न अत्ता, अन्न अत्ता, ये बार बार आएगा। तो अन्न माने भोग्य, अत्ता माने भोक्ता, और ये दोनों का जोड़ा तब से पैदा हो गया और आज तक चलता चला आ रहा है, इसी से सृष्टि आगे बढ़ रही है। आप बिल्कुल, आप खाते जाते हो, अच्छा 4 महीना कुछ मत खाओ और फिर बच्चे को पैदा करके दिखाओ, नहीं 4 महीना नहीं 2 ही महीना, हाँ कुछ मत खाओ, कुछ मत खाओ, हाँ कैसे कैसे होगा, कुछ नहीं पैदा होगा, फिर शरीर में कीड़े पैदा हो जाएंगे, तो अरे तो हाँ, इसलिए जो है अन्न और अत्ता, भोग्य और भोक्त, उसी को कहा रई और प्राण। अब उस रई और प्राण को सबके साथ जोड़ के दिखाएंगे। अब यहाँ से आगे, ओ सूर्य संवत्सर, और सारा जगत में दोनों रई और प्राण का ही खेल चल रहा है। हाँ। अच्छा मैं सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हो, दो हो रहे ना, मैं सुना रहा हूँ तो मैं हो गया, जो सुनाया जा रहा है वो है रई, और जो सुनने वाला है वो है प्राण। लो फिर आपको समझ में आता है, ऐसे ऐसे करते हो, हाँ समझ में आया तो हमको खुशी हुई, हो गया। तो आप हो गए, आपको समझ में आया तो आप हो गए रई और मैं हो गया, ये दोनों का जोड़ा निरंतर चलता चला आ रहा है। थोड़ा अब हाँ, अपने आप पढ़ेंगे तो जल्दी नहीं समझ में आएगा, अपने आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे फिर उपनिषद में क्या लिखा है। तो रई और प्राण, भोक्ता और भोग्य। देखो अब शुरू करो आदित्य से, आदित्यो हावै प्राणो, रईरेव चंद्रमा, रईर्वा एतत् सर्वम्, यन्मूर्तं च मूर्तं च तस्मात् मूर्तिरेव रैः। आदित्यो हावै प्राणः, दो का सृजन किया था उसने ब्रह्मांड के अंतर्गत, रई और प्राण, तो आदित्य को समझो प्राण, आदित्यो हावै प्राण, आदित्य को प्राण, आदित्य कौन, सूर्य, और रई रेव चंद्रमा, क्योंकि द्वंद हो गया ना, मिथुन हो गया, जोड़ा हो गया, तो चंद्रमा को कौन समझो, रई, दो हो गए, तो सूर्य हो गया, सूर्य को हमने प्राण और चंद्रमा को रई, इस तरीके से लिया। देखो आदित्यो हवै प्राणो, रई रेव चंद्रमा। तो अब आगे, रईर वा एतत् सर्वम, एतत् सर्वम, ये जितना जगत है वो सब कुछ, सारी सृष्टि वो रई ही है, भोग्य ही है, रई ही है, भोग्य ही है। यत मूर्तम च, जो दिखाई पड़ता है वो भी, यत चा अमूर्तम च, जो दिखाई नहीं पड़ता वो भी। देखो मूर्त और अमूर्त, मूर्त माने आकार वाला, अमूर्त माने बिना आकार वाला। जैसे मैंने क्या कहा था, मैंने शब्द बोला तो ये हो गया भोग्य, खुशी के भोग किया, अमूर्त है। हमारे शब्द को तुमने सुना कि नहीं तो तुम भोक्ता हो, हाँ हमारे ऊपर ही मत डालो बार बार, हाँ आप भोक्ता हो, जो भोगेगा सो दुखी होवेगा, क्योंकि हमको याद है मुंडक उपनिषद में लिखा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समान एक पेड़ में दो पक्षी हैं, एक बैठा रहता है और एक जो खाता है सो रोता है, है ना, तो जो भोक्ता है वो बेचारा, तो शब्द अमूर्त है, जो पानी है मूर्त है और शब्द अमूर्त है, लेकिन दोनों का भोग हो रहा है। तो यत मूर्तम च अमूर्तम च तस्मात् मूर्ति रेव रई, इसलिए यह सब कुछ जितना कुछ है यह रई ही है।
रई ही मूर्ति है। अगला तो दो हुआ, रई और प्राण को बनाया, तो सूर्य हो गया प्राण, आदित्य को प्राण और चंद्रमा को रई। और ये जितना कुछ भी है, चाहे वो मूर्त साकार और चाहे अमूर्त, वो सब का सब रई ही है, भोग्य ही है। कोई न कोई उसका भोग करता तो है, कोई न कोई भोग करता है, और जो भोग करता है वो भोक्ता हो जाएगा। हाँ देखो, ज़्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है ना, ज़्यादा भारी ना हो जावे। देखो, तत्र आदित्य हावै प्राणो अत्ता अग्नि। देखो तत्र इस प्रसंग में, देखो तत्र लिखा ना, तो तत्र माने इस प्रसंग में, इस मंत्र के अर्थ में समझो, आदित्य हावै, जो आदित्य है वही प्राण है। इतना तो मंत्र में लिखा है, आदित्य हावै प्राण, आदित्य ही प्राण है। भाष्कर ने कहा अत्ता अग्नि ही, अत्ता भी उसी को कह लो, और अत्ता माने भोगने वाला, भोक्ता, तो वही ही भोक्ता है, वही ही अग्नि है, उसी को। तो अब यहां पर आदित्य, आदित्य प्राण भोक्ता और अग्नि, चार हो गए ना, क्योंकि भाई अग्नि माने तेज होगा तो आप भोगोगे, तो ये चारों शब्द जो है एक चीज के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जो कौन है, भोक्ता है, उसी को यहाँ पर आदित्य, उसी को प्राण और उसी को अग्नि, ये चारों। रई रे चंद्रमा, चंद्रमा को ही रई कहा गया, रई ही चंद्रमा है। रई रेव अन्नम सोम एव, लो ये जो भोग्य है वो कौन है, अन्न है, रई ही अन्न है, अन्न है, भोग ही अन्न है, वही चंद्रमा है, सोम एव वही चंद्रमा है, क्योंकि उसी से सारे प्राणी खाते हैं और चलता है जीवन। हाँ, तत तद एतद एकम अत्ता च अन्नम च प्रजापति एकम तु मिथुनम। हाँ, अब यही समझना, तद एतद एकम, ये दोनों, ये दोनों तद इस प्रसंग में, ए तद यहाँ पर, एकम एक ही है, कौन, अत्ता च अन्नम च, अत्त और अन्न ये दोनों एक ही है, किसमें, प्रजापति ही एकम, ये दोनों प्रजापति एक ही प्रजापति में दोनों है, एक ही प्रजापति में दोनों इसका मिथुन है। भेद कैसे किया अत्ता और अग्नि का, रई और प्राण का, गुण प्रधान कृतो भेदा, केवल गुण के कारण इसका भेद बताया गया है, अन्यथा ये दोनों सब एक ही है, प्रजापति के अंतर्गत दोनों एक ही है। अब लगता है नहीं समझ में आया, आ गया समझ में सबको, दोनों एक ही है। अरे भाई देखो, देखो यहाँ पर लिखा है ना ऐसा कि तद एतद एकम, तद एतद एकम, इस प्रसंग में यह जो है एकम, एक ही है, एक ही है, कौन, अत्ता च अन्नम च, अत्ता और अन्न, रई और प्राण एक ही है, कहाँ पर, प्रजापति एकम तु, एक ही प्रजापति में दोनों ही वहीं पर, एक ही अधिष्ठान में दोनों हैं। अरे भाई, गेहूं को चूहे ने खाया तो गेहूं क्या था फिर, अन्न, और चूहे ने खाया तो चूहा क्या हो गया, भोक्ता, यही ना, वो भोग्य हो गया, वो भोक्ता हो गया, वो अन्न हो गया, वो अत्ता हो गया, और चूहे को सांप ने खाया तो, चूहे को सांप ने खाया तब चूहा क्या हो गया, अब चूहा भोग्य हो गया और सांप उसका भोक्ता हो गया। अच्छा, और सांप को मोर ने खाया तो, अब वो सांप का शरीर क्या हो गया, भोग्य हो गया, रई हो गया, और वो मोर का शरीर हो गया भोक्ता, और मोर को शेर ने मांग के खा लिया तो, दो ये सब कहाँ चल रहा है, इसी सृष्टि में, इसी तो एक ही है, कहाँ, प्रजापति के शरीर में, प्रजापति के नजरिए से देखो तो वहां पर एक ही है, भेद कहाँ हो रहा है, प्रजा की सृष्टि में, प्रजा की सृष्टि में वो भेद दिखाई पड़ रहा है, और प्रजापति के नजरिए से देखो तो अत्ता और अन्न दोनों
ये कही है, वो सर्वात्मा है, सब उसी के भीतर में है। अच्छा, हमारे शरीर में मांस का टुकड़ा है और उसको शरीर का कोई, शरीर के अंदर एक जीव उसको खा रहा होगा, शरीर में कोई बैक्टीरिया पैदा हुआ, बैक्टीरिया पैदा हुआ, वो बैक्टीरिया हमारे शरीर से कोई अंश को खा रहा है, तो मेरे शरीर का एक अंश हो गया अन्न और खाने वाला हो गया, अतः हुआ कि नहीं। पेट में कीड़ा पैदा हुआ तो खाएगा तब तो जिंदा रहेगा, बिना खाए कैसे जिंदा रहेगा, तो कैसे करो, पेट का कीड़ा पैदा हुआ तो मेरे शरीर में ही कुछ खाएगा ना वो, तभी तो जिंदा है। तो जिस मेरे शरीर में जिसको खा रहा है वो हो गया अन्न, और जो कीड़ा खा रहा है वो कौन हो गया, भोक्ता हो गया। दोनों कहाँ है, मेरे अपने ही शरीर में। ऐसे यही से हमारे शरीर में, ऐसे ब्रह्मांड में ओ हिरण गर्भ के अंदर ही सब हैं, हिरण गर्भ के अंदर ही सब हैं, सूर्य चंद्रमा अन्न और भोक्ता, वो सब सूर्य चंद्रमा सब उसके अंदर है। इसलिए कह रहे तद एतद एकम, यहाँ पर एक ही दृष्टि से देखो, किसको, अत्ता चा अन्नम चा, खाने वाले को भी और खाई गई चीज को भी, कहाँ पर, प्रजापति एकम, उसी एक प्रजापति में, उसी में जोड़ा पैदा हुआ, उसी में जोड़ा चल रहा है, ये जोड़ा सब उसी में चल रहा है। थोड़ा भेद कहाँ पर हुआ, गुण प्रधान कृतो भेद, अरे थोड़े से गुण के कारण भेद दिखा दिया गया कि वो खाया अभी था और उसने खा लिया उसको, इतना ही तो ना, गुण प्रधान कृतो भेदा, वो थोड़ा गुण दिखाई पड़ा उसका जो है, इसी कारण से उसको अलग अलग आप कह देते हो। गुण भाव विवक्षया, गुण भाव माने जो है इस समय उसको आपने पकाया और उसको खाया, बस इतना ही है उस भेद कथम, कैसे आप कहते हो इसको, रईर व अन्नम व एतत् सर्वम, ए रई ही अन्न है, रई व अन्नम, ए रई ही अन्न है, एतत् सर्वम, ये सब कुछ, सब कुछ रई है, सब रई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। रई से आपको सब, आप सबको व्याप्त समझो, रई माने सब, केवल सब भोग्य है, सब कुछ भोग्य है, कोई भोग रहा है, कोई भोग रहा है, हाँ। हमारे शरीर का भी कोई भोग कर रहा है, हाँ। सब भोग्य, सब भोग्य है बस, हाँ। तो रई देखो, रई वा अन्नम एतत् सर्वम, सब कुछ रई ही है, सब कुछ रई ही है, हाँ। अरे अच्छा, हम आश्रम हमने बनवाया कि नहीं, हमने बनवाया तो बनवाया तो उसका कोई भोग कर रहा है, कमरे में कोई रह रहा है, है कमरे में रह रहे हो कि नहीं, तो क्या हो गया फिर, हाँ। हम इस आश्रम के हो गए प्रजापति, यहाँ पर दो चीज पैदा हुई, हाँ, भोक्ता और भोग्य, तो अन्न की व्यवस्था हम करते हैं तो हो गया वो भोग्य, और विद्यार्थी बैठ के मौज करते हैं वो क्या हो गया, भोक्ता, तो चल सब आप ही के अंदर चल रहा है ना, तो चल तो रहा है, सब इसी में तो चल रहा है, और सबका अधिष्ठान एक ही, रईर व अन्नम एतत् सर्वम, कितना कितना स्पष्ट है, आप समझो तो क्या क्या है, रई माने भोग्य, क्या क्या है, किम तद यन मूर्तम चा स्थूलम, जो स्थूल है व्यक्त मूर्त है, चा अमूर्तम चा, अमूर्त माने सूक्ष्म, जो स्थूल है अथवा सूक्ष्म है, चा मूर्ता मूर्ते, ये जो मूर्त और अमूर्त दो शब्द प्रयोग किया, मूर्त माने स्थूल और अमूर्त माने सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म जो है, अत्ता अन्न रूपे रही रे, ये भोक्ता और भोग्य के रूप में सब रही ही है, क्योंकि एक चीज को दूसरा भोग रहा है, दूसरे को तीसरा भोग रहा है, तीसरे को चौथा भोग रहा है, तो सब केवल रही ही है, सब रही ही है, अत्ता अन्न रूपे रही रे, तस्मात प्रविभक्तात्, तस्मात इसलिए प्रविभक्तात्, इसको अलग अलग करके समझो तो, अमूर्ताद अन्यत् मूर्त रूपम मूर्ति ही सा एव रई अमूर्तेन आद्यमानत्वात्। थोड़ा सा ये पंक्ति समझना, हाँ, इसलिए प्रविभक्तात्, अलग अलग करके समझिए तो, अलग अलग करके समझना है तो,
जब अलग अलग करके समझोगे तो अमूर्ताद अन्यत, अमूर्त से अलग जो है वो कौन है? मूर्त रूपम, माने सूक्ष्म से जो अलग है वो कौन है? स्थूल। जो अमूर्त से अलग है तो स्थूल और सूक्ष्म का एक विभाग हो गया, और जो ये मूर्ति रूप है वो कौन? सा येव रही, वो सब का सब कौन हो गया? रही हो गया। जो ये मूर्त रूप है वो सब का सब रही है। अगर अलग अलग करके देखो तो जितना मूर्त रूप है वो सब का सब अन्न है। क्यों अन्न है? क्योंकि अमूर्तेन आद्यमानत्वात्, क्योंकि जो अमूर्त है वो उसको खा लेता है। अमूर्तेन आद्यमान, अमूर्त है, अमूर्त माने कौन खा रहा है? अभी अभी बार बार सुन रहे हो कि प्राण चल रहा है तभी भोग रहे हो ना भाई। अन्न को चूहे ने खाया, चूहे का शरीर खाया कि उसके भीतर जो प्राण शक्ति चल रही हो? अगर प्राण न चले और फिर चूहा खावे अन्न? अच्छा, फिर चूहे को जब सांप ने खाया तो सांप का शरीर खा रहा है कि सांप के भीतर जो प्राण चल रहा है वो? यही ना, प्राण चल रहा है। तो अच्छा, प्राण प्राण मूर्त है क्या? प्राण स्थूल है, दिखा सकते हो आप? तो प्राण अमूर्त है, जो खाया जा रहा है वो मूर्त, और जो भोग करने वाला है वो कौन हो रहा है? अमूर्त। इसीलिए भूख प्यास प्राण का धर्म है, प्राणमय कोष में माना जाता है ना। प्राणमय कोष में कौन है? भूख और प्यास। वो प्राणमय कोष का धर्म है, वो शरीर का धर्म नहीं माना जाता। शरीर का धर्म उच्छ माने गए, जायते वर्धते विपन्नते, वो है। लेकिन प्राणमय कोष का क्या होगा? भूख और तो भूख किस में लग रही है? प्राण में। खा कौन रहा है? प्राण। अब चाहे हमारा प्राण हो, चाहे मोर का प्राण हो, चाहे सांप का प्राण हो, तो वो जो भोगने वाला है कौन है? वो अमूर्त है। और जो जो भोगा जा रहा है वो कौन है? मूर्त। तो मूर्त भोगा जा रहा है, अमूर्त उसका भोग कर रहा है, और मूर्त और अमूर्त ये सब रही ही है। सब कहाँ है? प्रजापति के अंदर, सब प्रजापति में ही है। प्रजापति से अलग और कुछ भी नहीं। तथा अमूर्तो अपि प्राणो अत्ता, तथा और भी अमूर्तो अपि प्राणा, जो अमूर्त है कौन होगा? देखो, जो मूर्त था वो रही, और जो अमूर्त था वो प्राण, यही ना, स्थूल और सूक्ष्म। जो सूक्ष्म था वो प्राण। अमूर्तो अपि प्राणो अत्ता, वो जो प्राण है, जो अमूर्त प्राण है, वो प्राण भी, वो अमूर्त प्राण भी जो है वो कौन है? अत्ता, वो भोग भोग भोगता है। सर्वम एव यच्चा आद्यम, जो कुछ भी खाया जाता है वो सब का सब भोगने वाला वह प्राण है जो अमूर्त है। वो कैसे? तो आदित्य से इस बात को कहते हैं। अब अगला जो मंत्र है, अन्न केवल गेहूं चावल नहीं है, जो जो भोगा जा रहा है वो सब अन्न है, रही है, और जो भोगने वाला है वो प्राण है, वो भोगता है। अत्ता भोगने वाला, हाँ वो भोगने वाला। तो दो ही जोड़ा हुआ, एक यही जोड़ा हुआ दो का, भोक्ता और भोग, रई और प्राण, यही तो है, और सारा ब्रह्मांड इसी के अंतर्गत चल रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।